नगर परिषद हनुमानगढ़ की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बीजेपी के वार्ड के जो टिकटें वितरण थी उसको होकर अब पूरी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं रवि कुमार जी, इन्होंने पहली बार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं और वार्ड नंबर 3 में क्या क्या ये काम कराएंगे, क्या आगे जीतने के बाद इनकी योजना रहेगी और राजनीति में क्यों आएंगे, इससे इसके संबंध में सवाल अपने पूछेंगे इनसे। तो रवि कुमार जी, पहले तो आप बताइए कि राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? जी राजनीति में आने का मैंने ऐसे सोचा, वार्ड नंबर 3 से सब युवा भाइयों ने मेरा साथ दिया, सब भाई मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, जितना मेरे से होगा उतना मैं वार्ड नंबर का सर्वे जितना भी काम हो करूँगा, तन मन धन से हर चीज़ से, ठीक है, सब भाई मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से। सबसे बड़ी बात तो यह, मुझे उन्होंने टिकट दिलवाई बीजेपी की, ठीक है, उनका बड़ा आभारी हूँ मैं, ठीक है। फिर इनका सहयोग मेरे साथ बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के रहा, सब युवा साथ मेरे साथ हैं, बड़े बुजुर्ग सब मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और रवि कुमार जी, आज यहाँ जो वार्ड नंबर 3 में पिछली बार निर्दलीय पार्षद था और जो आपने यहाँ देखा है कि निर्दलीय बीजेपी का बोर्ड था, निर्दलीय पार्षद होने के कारण क्या आपको नहीं लगता कि इस बोर्ड की अपेक्षा की गई थी और काम कम हुए? हाँ, इसी के लिए मेरे को इन्होंने चुना है, पहले जो यहाँ पे निर्दलीय थे इसलिए मेरे को इन्होंने वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की टिकट दिलवाई, भाई इन्होंने मुझे अच्छा समझा, इसी लाइक मुझे समझा तो इसकी लाइक मेरे को टिकट मिली, इनके लिए इन्होंने बहुत बहुत उनका मैं आभारी हूँ, ठीक है। तो वार्ड नंबर 3 में आपको ये आपने सर्वे भी कर लिया होगा, कौन कौन से ऐसे काम है जो अभी होने शेष हैं? देखो वार्ड नंबर 3 में बहुत से काम है जो बिल्कुल पड़े हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, हर वार्ड वासी को जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। तो ये थे रवि कुमार जी वार्ड नंबर 3 से, जो अपने यहाँ भाग्य आजमा रहे हैं, पहली बार जो भाग्य आजमा रहे हैं, इनका कहना है कि जितने भी काम अधूरे हैं वो इस वार्ड से किए जाएंगे और ये वार्ड जो है पहले पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी होने के कारण और बीजेपी का बोर्ड था और थोड़ा सा अपेक्षा का शिकार रहा है, इस वार्ड के अंदर नालियां सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, इनकी तरफ मैं ध्यान दूंगा और सौंदर्यकरण के लिए जो है इस वार्ड के अंदर जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। और इस साथ में बीजेपी के एक और नेता खड़े, इनसे जानते हैं कि आप इस वार्ड के अंदर किस प्रकार इसको जिताकर क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और जनसंपर्क आपका कैसे चल रहा है? रणजीत जी बताइए आप। जी, जनसंपर्क तो जोरों से चल रहा है और बीजेपी पार्टी के अंदर जो टिकट अभी इनको दी गई है वार्ड ऐसी होने के बाद में, पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पर जो टिकट बांटी है उसका मैं सपोर्ट करूँगा और जीतने के बाद जो भी वार्ड के काम है, किसी का राशन कार्ड है, किसी की कोई लोन है, किसी गरीब आदमी की हेल्प करनी है, जो टूटी हुई नालियाँ बची हुई हैं, जो सड़कें टूटी पड़ी है, कोई पुलियाँ टूटी हुई है, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, गलियों के नंबर लगाने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए, जो भी काम बचा था जो मेरे मन में भी था कि एक सौंदर्यकरण के आधार पे प्लांटेशन था, कलर था, बहुत सारी चीज़ें इस वार्ड के अंदर की जा सकती थी जिसमें वार्ड का लुक एक ऐसा बन सकता था कि पूरे शहर के लोग इस वार्ड को देखते, उसकी तो मैंने एक फाइल तक तैयार कर रखी है, अगर ये टिकट यहाँ से निकल जाती है तो उस फाइल को लेके मैं आगे चलूंगा। तो रणजीत कुमार जी कह रहे हैं कि हमने बहुत से सपने सजो रखे हैं और इस वार्ड के लिए कह रहे हैं कि फाइल तैयार कर रखी है, अगर रवि कुमार जी सफल होते हैं तो उन फाइल को बिंदु वाइज हम इस वार्ड के अंदर प्रयास करेंगे। अभी राजकुमार जी खड़े हैं जो कि भाजपा से टिकट ये मांग रहे थे हैं और इनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ये साथ खड़े हैं इसके रवि कुमार के, इनसे बातचीत करते हैं कि आप इस सीट को निकालने के लिए क्या अपनी तरफ से प्रयास करें। राजकुमार, मेरा वार्डवासियों से सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो यानी कि किसी परिवारवाद के हिसाब से नहीं चलती और किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रकार से नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो योग्य कैंडिडेट दिखे उसे चुनाव मैदान में प्रत्याशी बना के उतारती है और भाई रवि कुमार जिसे एक योग्य कैंडिडेट था जिसे चुनाव मैदान में लाया गया और भाई रवि कुमार के साथ, भाई रवि कुमार ऐसा व्यक्ति है जो सभी व्यक्तियों को साथ लेके चल रहा है, युवा बुजुर्ग माताएं बहनें सभी को साथ लेके चल रहा है, तभी इसकी जो दावेदारी है जो प्रमुख रूप से सामने आई और भाई का अच्छा मैं भी मिलकर सहयोग कर रहा हूँ ताकि अपने जो बीजेपी कैंडिडेट है जो योग्य व्यक्ति है वो बाढ़ के सामने आए और अपना विजयी होकर
और जो वार्ड में जो कमियां हैं, जैसे जैसे आपने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी होने की वजह से उपेक्षा का शिकार रहा ज्यादातर, जैसे वार्ड में कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी की समस्याएं हैं, और जैसे ट्री गार्ड वगैरह लगने हैं, वो यानी कि भाई ये अगर भाई जीत के बाहर निकलेगा तो ये सब सुधार करेगा इन कार्यों में और आगे चल के। और राजकुमार जी कह रहे हैं कि टिकट तो मेरे को बीजेपी ने मांग रहे थे, टिकट मांगना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हम मिलजुल करके जितने भी टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, वो रवि कुमार के साथ मिलकर हम खड़े हैं और इस रवि कुमार जी को यहाँ से पार्षद जिताने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और रणजीत सिंह दो की वार्ड नंबर दो से ये भी साथ लगे हुए हैं, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ हैं जो रवि कुमार के जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, और इन्होंने यही कहा है कि विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और रवि कुमार जी को हम ज़्यादा वोटों से जिताकर यहाँ से जो है भेजेंगे और ये आगे जाकर इस बाढ़ के सौंदर्यकरण में नालियों की, सड़कों की, पानी की, सीवरेज की, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है ये करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। गुरुदेव सिंह सैनी, कलम, हनुमानगढ़।